इनिशिएटिव, जैसे कि मूवमेंट सर, आंदोलन, धरना वगैरह। पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। मैंने क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था? याद नहीं सर। हाँ कैसे याद होगा, सैलरी जो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि मेरे अखबार को चलाने के लिए मुझे सनसनी खेज खबरें चाहिए। खबरें तो दी थी सर। अरे कमाल की खबरें दी थी, मियाँ बीवी के बीच में अनबन, जीजाजी ने साली का मजाक किया, कुत्ते ने बिल्ली को मार डाला। नहीं सर, बिल्ली ने कुत्ते को मारा था। एक बात बताओ, तुम दोनों गटर में क्या ढूंढ रहे थे? वो गटर में कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था तुम दोनों का? सर गटर में मुझे बख्शो भैया, मुझे बख्शो, नहीं तो ये शांति स्वरूप और गुड मॉर्निंग इंडिया दोनों गटर में नजर आएंगे। गुड बाय। रो रहे हैं? फूट फूट कर रो रहे हैं? ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, किसी को रोते हुए मैं नहीं देख सकता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं तुम दोनों को एक मौका और दूंगा। सर क्या करना होगा? क्या करना होगा सर? अरे वो डॉन टू डस्क न्यूज़पेपर जानते हो? वो हमसे ज्यादा बिकता है, जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ अर्जुन काम करता है। अर्जुन जैसी रिपोर्ट लाकर जब मुझे तुम दोगे तब तुम दोनों को मैं नौकरी पर रखूंगा। अरे चुटकी बजा के लाऊंगा सर। अर्जुन जैसी क्या सर, उसी के लिए आएंगे ना? लाएंगे, लाएंगे सर, मगर हमारी एक शर्त है। शर्त? शर्त है वो ये है कि जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको पहचानते हैं। करेक्ट, करेक्ट, यस। मिल गया। क्या? अर्जुन के रिपोर्टिंग का राज, किताबों से चुराता है और सब पर धौंस जमाता है। अच्छा, तो जो किताब ये खरीदेगा हम खरीदेंगे। जो वो लिखेगा वही हम लिखेंगे। कम ऑन। केम छो अर्जुन भाई, मजावा? वो लास्ट टाइम आपने जो किताब खरीदा था है, कैसी थी? अच्छी थी। पढ़ी थी? पढ़ी थी, तभी तो आपने ढांसू ढांसू आर्टिकल लिखे थे आपके पेपर में। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था? ये किताब तो बिक चुकी है। क्या? ठीक है। साहब ये किताब भी बिक चुके है, बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। कार्ड पांडू, कैश। पढ़ने का काफी शौक है आपको? जी हाँ, बचपन से। बहुत अच्छा है, आजकल तो लोग टीवी वगैरह के जमाने में पढ़ना लिखना ही भूल गए हैं। पागलों की डॉक्टर हैं आप? जी हाँ। जी, जी नहीं, मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर आपके घर में किसी का दिमाग खराब है? जी नहीं। आपका कोई दोस्त वगैरह वगैरह? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पर आपने तो सारी किताबें पागलों के बारे में खरीदी हैं। Anyway, आप ये पढ़ने का शौक जारी रखिएगा। ठहरा ठहरा। पांडू। आंटी। जब देखो गड़बड़
आरती देख रही हो, ये अर्जुन का खास ड्राइवर है। अच्छा। बजरंगी जवान। ए ले। अगर हम इसे पटा ले तो समझ लो अर्जुन भी पट गया। अच्छा, लेकिन पटेगा वो? पैसे के लिए मंदिर भी घोटाला करता है, ये तो मामूली ड्राइवर है। आओ। चलो। पलिया हिले छपरा हिले ला और लज के जब कमरिया सारा पटना हिले ला। नमस्ते बजरंगी साहब। आपने हमसे कुछ कहा? यस सर। सर हम? हाँ। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जरूरत है आप जैसे चुस्त दुरुस्त वफादार ईमानदार ड्राइवर की। हैं। का दोगी? क्या मिलता है? 2000। ऊपर की कमाई तो होगी। ऊपर की कमाई? ये कोई नेता मंत्री का घर थोड़ी है। अब छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ। 5000। क्या बोला? 5000। 5000? जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हम अभी आता हूँ चाबी देकर। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको यहीं रह के हमारा काम करना है। प्लीज। एक नौकरी, दो ही सैलरी। हाँ। और ये रहा एडवांस। लेकिन हमें करना क्या होगा? इसे अपने जेब में छुपा कर रखना होगा। और जब अर्जुन किसी खास जगह पर जाए तो उस खास जगह का नाम जोर से बताना होगा। मतलब हमें सुनाना होगा। जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन उतना अच्छा रेम्यूनरेशन। ठीक है, हम इसके जरिए जगह का नाम भेजते रहेंगे। हाँ। तुम इसके जरिए दाम भेजती रहना। डन 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 डन। चलो। कहाँ साहब? LIC बिल्डिंग। LIC बिल्डिंग? वहाँ कोई जरूरी काम होगा? नहीं कोई जरूरी काम नहीं, बस किसी से मिलना है मुझे। अच्छा अच्छा, LIC जाना नहीं, वहाँ कोई जरूरी काम नहीं। चौहान चलो। LIC ऑफिस जा रहा है? हाँ, बीमा करवाने जा रहा होगा। अपना बीमा तो है ना आरती? पांडू हो। इस बार तो जरूर किसी जरूरी जगह पर जा रहे होंगे, है ना साहब? हाँ, दैनिक सागर के एडिटर के पास मेरे कुछ जरूरी पेपर्स हैं, वो कलेक्ट करने हैं। चलो। हाँ, इसका मतलब दैनिक सागर के एडिटर से मिलेंगे, आपका नाम बताएंगे और पेपर्स पाएंगे। क्या बोल रहे हैं? पेपर्स। चौहान तो क्या हुआ, गंदा गाना गा रहे क्या? सुनो, तुम ठीक तो हो ना? हर चीज दोहरा रहे हो, गा रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। 40 चाहिए क्या? 80? अब ये 40 80 क्या है? स्पीड स्पीड। तुम 100 पर चलाओ। हाँ, चलो 100 पे। अरे बाप रे, 100 की स्पीड से जा रहा है, हमें तो 200 की स्पीड से जाना पड़ेगा। ये गाड़ी 40 पे तो चलती नहीं है, 200 पे कैसे चलेगी? तो फिर धक्का लगाओ। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग। अरे अर्जुन, यहाँ कैसे? मैंने आपको फोन पर बताया था ना वो पेपर कटिंग्स। पेपर कटिंग्स? वो लड़की जो तुमने यहाँ भेजी थी वो ले गई। लड़की? हाँ। कुछ है ये? ये कागज चाहिए थे उसे? ये तो किसी काम के नहीं है पांडू। अच्छा, तो लगा दिया गच्छा। अबे ओ घोचू, ये सब कागज कुछ काम के नहीं है। इसमें कोई काम का पेपर नहीं है, क्या बात करते हो? एक मिनट, सवारे सवारे, बात में सवारे सवारे, सुनो। आँख मारे हो लड़की, आँख मारे हो लड़की। पेपर्स मिल गए? कोई लड़की आकर यहाँ से मेरे पेपर्स ले गई। काम के नहीं थे? हाँ, काम के नहीं थे। अब कौन सी जरूरी जगह जाना है साहब? होटल इंडियाना पहुंचना बहुत जरूरी है। होटल इंडियाना पहुंचना बहुत जरूरी है। इंडियाना आज रात विदेशी जासूस डांसर लड़की के जरिए मिलिट्री की सीक्रेट फाइल्स इधर से उधर करने वाले हैं। आज रात विदेशी जासूस डांसर लड़की के जरिए मिलिट्री की फाइल इधर से उधर करने वाले। जल्दी चलो, धमाकेदार कहानी मिलेगी। जल्दी चलो, धमाकेदार कहानी मिलेगी। मिलिट्री की फाइल। हाँ। डांसर। ब्रीफकेस जल्दी खोलना पांडू। कोशिश तो कर रहा हूँ। आपको ही फोन करने वाला था। हाँ सर, अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचते तो मिलिट्री की बहुत ही सीक्रेट फाइल इधर से उधर हो गई। खोलो इसे। नंबर का ताला है ना, खुलता नहीं। 420। किसको बोला? मैं बोलता हूँ 420 नंबर ट्राई करो, 420। हाँ, मुझे लगा कि आपको पता चला मैं 420 हूँ। ये क्या आरती? ब्राउन शुगर? ब्राउन शुगर नहीं, व्हाइट शुगर है। व्हाइट शुगर? व्हाइट शुगर? ये हमारा नहीं, हमारा नहीं। देखिए, हम अभी कह रहे हैं हम जर्नलिस्ट हैं। हाँ। आपको क्या हमारी शक्लें स्मगलर्स जैसी लगती हैं? हाँ।
बोला इसकी लगती है। रख लीजिए, मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। तो क्या पलट गई तुम? तेरी वजह सब कुछ हुआ है? मेरी वजह से हुआ? ड्राइवर को पटाने का आइडिया किसका था? मेरा। तो मेरा नहीं तो क्या मेरा? मेरा, तो मेरा? चुप चुप। तेरा मेरा। आइए आइए, टाइम पर आ गए सर। सर इन्हें बता दीजिए हम आपके अखबार के लाड़ले दुलारे होशियार होनहार पत्रकार हैं। बता दीजिए ये दोनों आपके अखबार में काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं, आप बताइए ना। सही बताइए ना सर। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, ना आप हमें जानते हैं ना हम आपको पहचानते हैं। लगता है इस बार इन दोनों ने जबरदस्त प्लान बनाया है। सर आप बोलिए ना जल्दी। मेरे अखबार में ये दोनों काम? माफ करना इंस्पेक्टर, मैं अपने अखबार में चोर उचक्कों को काम नहीं देता। सर आप क्या कर रहे हैं? लगता है आपकी याददाश्त खो गई है। भैया मैंने अपना वादा निभा दिया है, अब तुम दोनों अपना वादा निभाना, अच्छी कहानी देखकर गुड बाय। अब क्या सर सरा रही हो? और पैदा करो सनसनी। हेलो अर्जुन, हाउ आर यू? अर्जुन भैया, अर्जुन जी हमें यहाँ से छुड़वा दो ना प्लीज। अच्छा तो तुम लोग अपनी असली जगह पहुंच गए, गुड। अर्जुन तुम इन्हें जानते हो? जानते नहीं सर, पहचानते हैं। अर्जुन जी देखिए ना मत करिएगा। हाँ मुझे प्लीज पहचान लीजिए अर्जुन। मुझे भी पहचान लो। हाँ हमें पहचान लीजिए ना सर। पहचान लो ना प्लीज। पहचान लू। सागर के एडिटर ने जो फाइल दी थी वो कहाँ है? वो वाली फाइल, वो तो हमने वो टेबल पे रखी है, वो टेबल पे, वो देखो पहचान लो ना प्लीज। यही वो फाइल है ना अर्जुन? हाँ। उन दोनों को छोड़ दो। मगर नमक के इन पैकेटों का क्या करूं? नमक यानी कि उसने हमें जानबूझ के फंसाया है। हाँ और इसका मतलब वो फाइल मामूली नहीं है, उसमें जरूर कोई कहानी छुपी हुई है। तो ये कि हमें वो फाइल फिर से हासिल करनी है। आरती मैं तो चला। कहाँ? मुझे अपनी नानी याद आ रही है, तू अकेली जा। पांडू चलो, जेल में नहीं जाना है मुझे। तुम्हारा शक बेबुनियाद है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मुमकिन है ब्लास्ट में शरद पाटिल का भी हाथ हो, मगर सिर्फ शक की बिना पर ना तो उसके खिलाफ लिखा जा सकता है और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उस पर नजर तो रखी जा सकती है। नजर रखी जा रही है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट।